हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कामा आयुर्वेदा का भृंगादी तेलम इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट, जो कि जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। उसके प्रोज एंड क्रॉन्स में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि ये हेयर ऑयल आपके बालों में क्या काम करता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके पैकेजिंग की। इसके पैकेजिंग की बात की जाए तो ये एक प्लास्टिक की बोतल में आता है और इसके ऊपर गोल्डन कलर की ये कैप लगी हुई है और डार्क ब्राउन कलर की ऊपर से ये प्लास्टिक की बोतल। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। कंसिस्टेंसी और कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका कलर ऐसा है, डार्क है थोड़ा, आप देख सकते हैं इसका कलर ऐसा है और इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिक्स की हुई है। काफ़ी सारे हर्ब्स इनमें इन्फ्यूज्ड है, दैट इज़ वाई इसलिए इसका कलर इस तरह का हो गया है। मुझे लगता है इसमें इंडिगो इन्फ्यूज्ड है इसलिए इसका कलर इस तरह से हो गया है, तो इसलिए इसका कलर ऐसा है, डार्क ब्राउन कलर में है। इसकी स्मेल की बात की जाए तो इसकी स्मेल काफ़ी जड़ी बूटी टाइप की स्मेल है, काफ़ी आयुर्वेदिक टाइप स्मेल है। अगर आप इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें पहला इंग्रेडिएंट आता है, दैट इज़ इंडिगो। इंडिगो प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को रोकता है बिकॉज इट हैज़ ए नेचुरल कलर इन इट। इसके अलावा सेकेंड आता है आंवला, मीन्स गूजबेरी, तो वो हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है एंड इट हैज़ लॉट ऑफ वाइटामिन सी। वाइटामिन सी के बेनिफिट्स कितने अच्छे होते। वाइटामिन सी के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, वाइटामिन सी के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए। थर्ड आता है मुलेठी। मुलेठी आपके किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन को आने देने से रोकता है। इसके अलावा इसमें एक नया इन्ग्रीडियंट है जो मैंने किसी भी हेयर ऑयल में किसी में भी आज तक नहीं देखा है। फोर्थ आता है बैलून वाइन, उसको बोलते हैं गुब्बारा बेल। ये जो गुब्बारा बेल होती है, किसी भी तरह की इचीनेस हो, किसी भी तरह का डेंड्रफ हो, उसको ये जड़ से ख़त्म करता है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है काफ़ी नए इंग्रेडिएंट। तो गाइस, बात आती है हाउ टू यूज़ दिस ऑयल। इट इज़ कॉल्ड हैज़ एन नेचुरल कंडीशनर। आपको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है एज़ पर दी रिकमेंडेशन, पीछे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सिर्फ 30 मिनट बिफोर यू हेयर वॉश, 30 मिनट पहले आपको इसको लगा लेना है और फिर उसके बाद में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। फिर 30 मिनट बाद आपको किसी भी शैम्पू से, आपके फेवरेट शैम्पू से, किसी से भी बाल धो लेने हैं, आपको हेयर वॉश कर लेना। एज़ पर द रिकमेंडेशन इसको 30 मिनट लगाया जाता है, पर मैं इसको ओवरनाइट के लिए लगाना पसंद करती हूँ। मैं इसे रात में लगाती हूँ और सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। अगर आप रिकमेंडेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं इसे, और अगर आप मेरे तरीके से इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नुकसान दोनों तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा आपको, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, फ़ायदा ही करेगा। किसी भी तरह से आप इसे यूज़ करें। इसके जो बेनिफिट्स हैं मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया। ये डैंड्रफ को, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, ग्रेइंग हेयर को रोकता है, हेयर लॉस में काफ़ी कमी आएगी आपके,
हेयर लॉस नहीं होंगे एंड हेयर फॉल कम हो जाएगा आपका, और हेयर रीग्रोथ भी होगा इससे। बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल ये प्रोडक्ट होगा। अगर आप हेयर लॉस से जूझ रहे हैं या फिर हेयर थिनिंग से जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट होगा। और ये एंटी फंगल भी है, एंटी एजिंग भी है। जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा कूल कूल फीलिंग होगा आपको, और ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है और ये हेयर ग्रोथ को काफ़ी प्रमोट करता है। तो इसमें जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैंने इसको बताया कि वीडियो में कि पहले कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, और ये मेरा अपना तरीका है। आप जिस तरह से इसे यूज़ करना चाहते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल आप पॉजिटिव मेरा इससे रिज़ल्ट रहा है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट लगता है, और आप इसके लिए आराम से जा सकते हैं, आप आराम से इसे परचेस कर सकते हैं। मैं इसको बैंग ऑन बोलूँगी, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं लास्ट 3.5 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यू दिए हुए हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी इसके रिव्यू दिए हुए हैं लोगों ने, मैंने देखा हुआ है, तो मैंने सोचा वाई नॉट इसको ट्राई किया जाए, तो इसलिए भी मैंने इसको यूज़ किया है। तो इसके मुझे इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो इसलिए मैंने भी इसका रिव्यू, मेरा होनेस्ट रिव्यू आपको शेयर किया है। अगर आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, and always be happy friends.